हे गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में शायद ही कोई सोचता हो। वो टॉपिक ये है कि जब भी हम डेडलिफ्ट लगाते हैं, हम कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट पे फोकस करते हैं एंड इसेंट्रिक, मतलब जब हमें बार को नीचे जमीन की ओर लेके जाना होता है, तब हम उसको स्लोली लेके नहीं जाते हैं, हम ऊपर से सीधा ड्रॉप कर देते हैं। गाइस, एक बहुत ही कॉमन एंड रेगुलर प्रैक्टिस है जो हम जिम में देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या कोई सोचता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है, हमें तो ये पता है कि इट इज़ द इसेंट्रिक मूवमेंट या फिर इट इज़ द नेगेटिव मूवमेंट, जो नेगेटिव मोशन है वो जो है वो ज्यादा मैटर करता है, वो जो है आपकी हाइपरट्रॉफी करवाती है। तो व्हाई नॉट इन डेडलिफ्ट, हम डेडलिफ्ट में ऐसा क्यों नहीं करते? तो गाइज, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो गाइज, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे एक न्यू व्यूअर है तो गाइज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और गाइज, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई आगे नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि डेडलिफ्ट में वेट को उठाते हैं, बारबेल को उठाते हैं और वहां से सीधा ड्रॉप कर देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं। तो जो कोई भी डेडलिफ्ट को इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, अगर आप जाके उससे पूछेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, बार को ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं, तो उसके पास या तो कोई आंसर नहीं होगा, उसे खुद पता नहीं होगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो शुरू से ही अपने से सीनियर लोगों को ऐसे करते हुए देखता आ रहा है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि डेडलिफ्ट को इसी तरह से करते हैं। एंड कुछ लोग होंगे जो इसके पीछे का रीजन बताएंगे और वो ये बोलेंगे कि डेडलिफ्ट में जब हम इसेंट्रिक मूवमेंट को करते हैं, जब हम नेगेटिव को करते हैं, वहां पर काफी चांसेस होती है कि हमें इंजरी हो जाए, स्पेशली हमें बैक इंजरी, लोअर बैक की इंजरी हो जाए, जो कि गाइज बिल्कुल सही है। तो गाइज, इनका यहाँ पे मेन पॉइंट था सेफ्टी। तो गाइज, ऐसे और काफी पॉइंट्स होते हैं जो कि इन दोनों डेडलिफ्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों डेडलिफ्ट्स का मतलब कि एक डेडलिफ्ट को मान के चलते हैं जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कर रहे हैं, और दूसरा जो डेडलिफ्ट है वहां पे कॉन्सेंट्रिक के साथ साथ इसेंट्रिक को भी हम कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। तो गाइज, ये कहना कि डेडलिफ्ट के इसेंट्रिक पार्ट को करने से आपकी लोअर बैक की इंजरी हो सकती है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि एज लॉन्ग एज आप डेडलिफ्ट में सही फॉर्म को मेंटेन करके चल रहे हैं, आपके लोअर बैक में कोई इशू नहीं होता है। बल्कि स्टडीज में ये पाया गया है कि डेडलिफ्ट को करने से इवन आपकी लोअर बैक के इशूज सही हो जाते हैं। गाइज, आपके सामने मैं दो स्टडीज दिखाऊंगा जहां पे सिंपली डेडलिफ्ट को लेकर जो स्टडी करी गई, यहां पे बोला जा रहा है कि डेडलिफ्ट से आपके लोअर बैक के इश्यूज सही हो सकते हैं, वो भी किसी स्पेशल पॉपुलेशन में। हर एक पॉपुलेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वेरे जो उसके नीचे वाली स्टडी है वो पर्टिकुलरली डेडलिफ्ट को लेकर नहीं है, लेकिन एक जनरल इसेंट्रिक मूवमेंट को लेकर स्टडी है, जहां पे ये पाया गया कि जो आपकी इसेंट्रिक मूवमेंट के वजह से आपकी रिहैब में मदद मिलती है। यानी आप किसी इंजरी के बाद जो एक्सरसाइजेस करते हैं अपने आपको रिहैब करने के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए, अपने आपको सही करने के लिए, अपने आपको क्योर करने के लिए, उन एक्सरसाइजेस में जो आपके इसेंट्रिक मूवमेंट का काफी बड़ा रोल होता है। तो गाइस, यहां पे मेरे कहने का सिंपली ये मतलब है कि डेडलिफ्ट आपके लोअर बैक के लिए बिल्कुल भी खतरनाक एक्सरसाइज नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने फॉर्म को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो यस, आई एग्री कि जब हैवी वेट होता है उस वक्त आपको वेट को ड्रॉप करना पड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त अगर आप इसेंट्रिक अपना मूवमेंट करते हैं कंट्रोल्ड वे में, तो चांसेस है कि आपको लोअर बैक की इंजरीज हो जाए। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि जो न्यू जिम गोअर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो इसी चीज को एग्जैक्टली अपने सीनियर्स को करते हुए देखते हैं और वो लाइट वेट ही कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसी चीज को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, वेट उठाते हैं और सीधा ऊपर से वहीं से ड्रॉप कर देते हैं। तो गाइस, यहां पे हमने सेफ्टी को लेकर बात करी और ऐसे ही काफी और पॉइंट्स हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या नेगेटिव को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सेफ्टी वाले पॉइंट में हमने ये देखा कि एज लॉन्ग एज आप अपने फॉर्म को मेंटेन करके चल रहे हैं, आपके सेफ्टी में कोई इशू नहीं है। डेडलिफ्ट एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया एक्सरसाइज है, लोअर बैक में ऐसा कोई इशू नहीं होता है, एज लॉन्ग एज आप अपने फॉर्म को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो गाइस, जो सेफ्टी के साथ साथ दूसरे पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करने वाले हैं कि क्या हमें डेडलिफ्ट में इसेंट्रिक को कंट्रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो पॉइंट्स ये हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी रिकवरी एंड आपकी हाइपरट्रॉफी। तो स्ट्रेंथ, रिकवरी एंड हाइपरट्रॉफी के लिए हमें इन दोनों डेडलिफ्ट टाइप में से कौन सा करना चाहिए? तो स्टार्टिंग विद स्ट्रेंथ, तो जब आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे होते हैं, वहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है, एक ही एम होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वेट उठाना है। तो यस, वहां पर जब आप ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने का आपका एम होता है, वहां पर आप अपना सारा एनर्जी इधर उधर लगाना नहीं चाहेंगे, आप अपनी एनर्जी को बचाना चाहेंगे। तो यस, वहां पर बिल्कुल जरूरी है, आपको वहां पर इसेंट्रिक को कंट्रोल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां पर आप इसेंट्रिक को अगर कंट्रोल करते हैं तो आप जल्दी फटीग हो जाते हैं, फिर आपकी जो लिफ्टिंग है वो बढ़ नहीं पाती है। लेकिन गाइस, जब आपकी लिफ्टिंग इतना ज्यादा हैवी नहीं है, आप एक रिलेटिव लाइट लोड के साथ काम कर रहे हैं, 8 रैप्स 10 रैप्स 12 रैप्स इसके साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप वेट को ड्रॉप करने के बजाय आप वहां पे बिल्कुल कंट्रोल वे में ला सकते हैं। क्योंकि हमें पता है गाइस कि इसेंट्रिक मूवमेंट जो होता है आपके एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यही आपकी हाइपरट्रॉफी कॉज करती है। काफी ऐसे स्टडीज हैं जो इस चीज को प्रूव करती है कि इसेंट्रिक जो आपकी मूवमेंट है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है रिकवरी की। गाइस, यस, अगर आप
आप डेडलिफ्ट के इसेंट्रिक पार्ट को कंट्रोल करते हैं तो आपका रिकवरी पीरियड जो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। गाइज मैं आपको यहाँ पे एक स्टडी दिखाऊंगा जो कि 2019 में हुई थी, जहाँ पे स्क्वाट्स को, बेंच प्रेस को, डेडलिफ्ट्स को कंपेयर करा गया था कि इसमें से इन तीनों में से कौन सा जो है ज़्यादा आपका टाइम लेता है रिकवरी के लिए। तो वहाँ पे पाया गया यहाँ पे जो डेडलिफ्ट था वो सबसे कम टाइम ले रहा था रिकवरी करने के लिए। तो एज सच डेडलिफ्ट जो है आपका रिकवरी पीरियड उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यस जब आप उसका इसेंट्रिक को कंट्रोल करते हैं तो आपका जो रिकवरी पीरियड है वो बढ़ जाता है। तो यस इस केस में बोलूंगा जो कि पावर लिफ्टर्स हैं जिनका मेन गेम ही यही हैवी लिफ्टिंग्स करना, वो इसेंट्रिक को कंट्रोल ना करें। एंड जो एडवांस लिफ्टर्स हैं जिनको डेली बहुत तगड़ा परफॉर्म करना होता है जिम में या फिर अपने फील्ड में, उनको भी जो नेगेटिव्स है उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रिक पर अपना फोकस करना चाहिए। क्योंकि यस जैसे हम देख रहे हैं कि रिकवरी जो है आपकी डिलेड हो जाती है, तो यस उनका जो परफॉर्मेंस है उनके फील्ड में, उनके गेम में, वो थोड़ा सा आपकी क्या होती है इफेक्ट होती है। तो जब आप इसेंट्रिक को कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी रिकवरी थोड़ी शॉर्टन हो जाएगी और इससे आपके ट्रेनिंग में ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ पाएगी, आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी ट्रेनिंग को कर पाएंगे। अब गाइस बात आते हैं हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी का मतलब जैसे कि हम, हमें पता है कि 8, 10, 12 के रेंज में हम काम कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में हमने पहले स्ट्रेंथ वाले टॉपिक के अंदर बात कर ली कि हाइपरट्रॉफी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कंसिडर करें कि वेट को ड्रॉप ना करें, उसको हल्का सा कंट्रोल करने की कोशिश करें जमीन की ओर लाते वक्त। एंड गाइस अगर आपने एक चीज और नोटिस किया हो कि हम में से ज्यादातर लोग, काफी लोग ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली हम डेडलिफ्ट को, अपने इसेंट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि गाइस डेडलिफ्ट के लिए एक स्पेशल फ्लोर बना होता है जहां पे हम वेट को ड्रॉप कर सकें ऊपर से ही। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के जिम में ऐसा फ्लोर अलग से बना नहीं होता है। वहां पे हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम वेट को पटक ना दें जिम में, इतनी ज्यादा शोर ना हो जाए, फिर जिम वाला आके डांट ना दें, तो वहां पे हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हमारे दिमाग में अब तक आया नहीं है कि हम यस हम डेडलिफ्ट को कंट्रोल करते हैं। तो गाइस यहां पे हमने दोनों टाइप्स के डेडलिफ्ट्स के बारे में, ऊपर से उनके बारे में बात कर ली कि किस टाइप के डेडलिफ्ट में क्या उसके उनके बेनिफिट्स हैं। अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अभी आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अब मैं फाइनली आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं कि क्या आपको डेडलिफ्ट में इसेंट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए नहीं। तो गाइस अगर पावर लिफ्टर की बारे में बात करें, उनका जो मेन गेम है यही है, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर से मतलब है कि वो कितना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं। तो उनके केस में वो मोर फ्रिक्वेंटली डेडलिफ्ट करते रहते हैं, तो यस उनको नेगेटिव में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपना मेन कॉन्सेंट्रेट पे ही फोकस करें। वेरेज अगर हम एथलीट्स की बात करें, अगर एडवांस्ड एथलीट्स है, चाहे वो जिम से रिलेटेड जो एथलीट्स हैं वो हैं या फिर जो फील्ड पे अपना परफॉर्म करते हैं फुटबॉल या फिर क्रिकेट वगैरह जैसे कि उनके एथलीट्स हैं, तो उनकी जिम में ट्रेनिंग के अलावा उनके गेम्स की भी अलग से ट्रेनिंग होती है। तो उस केस में वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका मेन गेम जो है वो इफेक्ट हो, वो हैम्पर हो। तो इस केस में उन्हें भी इसेंट्रिक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेंट्रिक पे ध्यान दे सकते हैं। वेरेज अगर एक जनरल इंडिविजुअल है, एक रेगुलर इंडिविजुअल है जो कि जिम में आता है अपना फैट लॉस करने के लिए, थोड़ा सा मसल बिल्ड करने के लिए, वो लोग भी बॉडी बिल्डर्स को देख के इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो गाइस उस केस में अगर आप हैवी लिफ्टिंग्स करते हैं, अपना 1 रैप मैक्स करते हैं या फिर 3 रैप मैक्स करते हैं, तो उस केस में आपने वेट को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उसको भी ड्रॉप करने का तरीका होता है, आप अपर हाफ जो मोशन है उसको हल्का सा कंट्रोल करेंगे, नीज के आसपास आते ही आप वेट को ड्रॉप करेंगे, एंड ड्रॉप करते वक्त भी थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जब तक आपका बार जमीन तक नहीं पहुंचाता तब तक आप अपने बार को ग्रिप करके ही रखते हैं। सिर्फ जो लोअर वाला सेगमेंट होता है, सबसे नीचे वाला सेगमेंट होता है, उसमें थोड़ी सी आपकी बार की स्पीड बढ़ जाती है, वो एकदम से अचानक से आप उसको बार फ्लोर पे ड्रॉप करते हैं। लेकिन जो अपर वाला मोशन है टिल नीज या फिर उससे हल्का सा ऊपर तक, आप उसको हल्का सा कंट्रोल वे में लेके आते हैं। वेरेज अगर आप थोड़ा सा 8 रेप्स 10 रेप्स 12 रेप्स इस रेप रेंज में काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करें, जितना आपसे कंफर्टेबली पॉसिबल हो उतना ही करने की कोशिश करें, बहुत ओवर स्लो नहीं करना है इसको। एंड गाइस अगर बिगिनर की बात करें तो उनको तो बिल्कुल भी ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए गाइस, उनका तो इतना वेट लाइट होता है, उनको अपने फॉर्म पे ध्यान देना है। अगर आप डेडलिफ्ट के नेगेटिव को कंट्रोल करते हैं, आप ज्यादा अपना मसल माइंड कनेक्शन बना पाते हैं और सारे मसल्स को आप फील कर पाते हैं, तो बिगिनर्स के केस में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि उनको वेट को उठा के ड्रॉप कर देना चाहिए। उस केस में वो क्या करते हैं ना कि बहुत सारा वेट ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको ड्रॉप करना है, और उनके दिमाग में थोड़ा सा ऐसे दूसरों को देख के होता है कि हमें भाई हमें भी वेट को ड्रॉप करना है, तो बहुत ज्यादा वेट लेने लग जाते हैं, तो इतने हैवी लिफ्टिंग से उल्टा उनके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस ये बिगिनर्स हैं, उनको हल्का सा वेट कम रखें, उनको अभी फॉर्म प्रैक्टिस करना, तो यस उनको बिल्कुल उनके इसेंट्रिक पे फोकस करना चाहिए, उनको कंट्रोल करके अपना इसेंट्रिक करना चाहिए। एंड रही बात जिम फ्लोर की, आज तक मैंने भी जितने भी जिम्स में वर्कआउट करा है, अभी भी जो प्रेजेंट जिस जिम में मैं वर्कआउट करता हूं वहां पे डेडलिफ्ट के लिए अलग से कोई फ्लोर नहीं बनाया, तो यस मैं अपना इवन 1 रैप मैक्स में भी थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। एंड इवन मुझे भी आज तक कोई डेडलिफ्ट में मतलब इसेंट्रिक को कंट्रोल करते वक्त मुझे कोई भी बैक इश्यू, लोअर बैक इश्यू नहीं आया। इट इज कंप्लीटली सेफ एज लॉन्ग एज आप अपने फॉर्म को सही एंड
एंड मेंटेन करके रख रहे हैं। एंड यस, अगर आप कोई ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं जहां पे वीक में आपका सिर्फ एक से दो बार ही डेडलिफ्ट आता है, तो उस केस में भी आप इस एंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड उस पर भी डिपेंड करेगा आप किस रेप रेंज में काम कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई है आपको, इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या डेडलिफ्ट को कंट्रोल करना चाहिए, उसके नेगेटिव को या नहीं। मेरा बस मेन पॉइंट था कि अगर आप डेडलिफ्ट को कंट्रोल उसके नेगेटिव को करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बताने का ये मतलब था कि ये भी एक एस्पेक्ट है, इसको भी आप लेके चल सकते हैं, आप इस तरह से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसके भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप इन दोनों डेडलिफ्ट टाइप्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करें। कुछ डेडलिफ्ट आप बिना इसेंट्री को कंट्रोल करते हुए करें, एंड कुछ डेडलिफ्ट आप इसेंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने वर्कआउट में दोनों को डालने की कोशिश करें। और एक्जैक्टली एक स्टडी में पाई गई, जो कि आपको मैं इसका आपको कंक्लूजन दिखाऊंगा, यहाँ पे यही चीज एक्जैक्टली बोली गई कि आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। एंड एक्चुअली जो स्टडी हुई थी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर हुई थी कि दोनों टाइप्स के डेडलिफ्ट में आपके स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट आता है, तो यहाँ पे एक्जैक्टली पाया गया कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है जब आप इसेंट्री को कंट्रोल करते हैं, आप हल्का सा वेट आपका कम हो जाता है, अपने लिफ्टिंग आपकी उतनी हैवी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी इन्होंने कंक्लूजन में यही बताया है कि आपको दोनों के फायदे, दोनों के बेनिफिट्स आपको उठाने चाहिए। सो गाइस, ये थी आज की सारी वीडियो। होप आपको चीजें समझ आई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में आपका डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस।